हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम देख रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने आरएलसी परिपथ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आज रेजोनेंस भी हो चुका है, ठीक है। पावर फैक्टर देखेंगे, एडमिटेंस, कैपेसिटेंस और ससेप्टेंस, इन चार टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर थ्री फेज प्रणाली भी है, ठीक है, और प्रतिवर्ती धारा, विद्युत वाहक समीकरण। तो आज इस चैप्टर का लास्ट डे हो जाएगा, ठीक है, आज अंत हो जाएगा। तो स्टार्ट करें, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर यूपीपीसीएल के लिए बात करें तो यहाँ पर हम लोग नए स्टूडेंट को बता दें, यहाँ पर दो क्लास लेकर के हम लोग चलते हैं। एक एमसीक्यू प्लस थ्योरी होता है, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल का एमसीक्यू देखते हैं। एक क्लास होता है 9:30 में, ठीक है, जहाँ पर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि इसको अभी हम सस्पेंड करके रखे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी तक एग्जाम का कुछ डेट क्लियर नहीं हो पाया है। इसके अलावा 2000 एमसीक्यू आपको मिल जाएगा अभी के समय में, अभी ऑफर है, ₹1 में मिल जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जान सकते हैं, वहाँ पर सारा यूपीपीसीएल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं एमसीक्यू, जो 9:30 में क्लास होता था उसमें, और इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर हो चुका है। एसी पॉलीफेड सिस्टम का आज लास्ट डे है। इसके अलावा मैंने ऑफर के बारे में बताया, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी लिंक पता कर सकते हैं। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आरएलसी परिपथ। हालांकि इससे मैंने कल डिस्कस कर दिया था, पर यहाँ पर एक चीज़ रह गया था। हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन हमारा आरएलसी सर्किट में कैसे जानेंगे करंट हमारा लीडिंग है या फिर लैगिंग है, ठीक है। कल हमने बता दिया था कि आरएलसी में एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर जेड निकालने का तरीका भी हमने बताया था, ठीक है। जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो एक हमारा वोल्टेज होगा, उसके बाद करंट होगा। अब करंट लैग करेगा या फिर लीड करेगा, इसका जानकारी हम लोग कैसे लेंगे। तो एक तो मैंने फाई निकालने का तरीका बताया था, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, एक करके हम लोग को पता कर लेना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर जीरो आता है आर बाई जेड, तो कॉस फाई जीरो हो जाएगा और एंगल 90 डिग्री आएगा। तो इस टाइप से तो हम खैर पता कर ही सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था फाई का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा या फिर 90 होगा या 45 होगा, ये तो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख करके, ठीक है। आर का वैल्यू रखेंगे, नीचे जेड का रखेंगे, जेड में हमारा एक्सएल और एक्सी होगा। अब यहाँ पर पता एक करना है कि हम लोग को जो करंट बनाना है वो ऊपर में बनाना है या फिर नीचे में, मतलब लीड करवाना है लैग, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एक्सेल और एक्सी पर। तो पहला केस लेते हैं, अगर हमारा एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी रहा तो ये हमारा केस हो जाएगा लैगिंग का, ठीक है। सेकेंड केस हो जाएगा, अगर हमारा एक्सेल लेस देन एक्सी है तो ये हो जाएगा लीडिंग, हमारा सर्किट फिर लीड करेगा। लीड करेगा मतलब कि करंट हमारा वोल्टेज से ऊपर रहेगा, ये होता है लीड, कैपेसिटिव हो जाएगा। और अगर एक्सएल बराबर एक्सी रहा तो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा, न लीड करेगा न लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, जिसको अनुनाद या रेजोनेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू फिर 1 आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा आर बाई आर इज इक्वल टू 1, तो 1 को यूनिटी पावर फैक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मतलब कि वी और आई फिर सेम फेज में हो जाएगा। इस कंडीशन में वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पता करने का तरीका होता है, कब कौन लीड करेगा और कब लैग करेगा, क्लियर है। और फाई को निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, हम लोग टेन से भी फाई का वैल्यू पता कर सकते हैं। टेन से अगर पता करेंगे तो क्या होगा, एक्सएल बाई आर होगा या फिर एक्सी बाई आर होगा, या फिर अगर दोनों रहा कैपेसिटर और इंडक्टर तो फिर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, क्लियर है। इस तरह से फाई का भी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग को जेड कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बेनिफिट होगा। और रहा बात लैगिंग और लीडिंग का, तो वो फिर हम लोग इस तरीके से पता कर ही लेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, एक और सवाल है, ये फाई हम लोग का होता कहाँ पर है। तो इसके लिए हमने बताया था कि ये जो अगर ट्रायंगल एक ठो बनाए तो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर होता है एक्सेल, ठीक है, एक्सेल या फिर एक्सी या फिर एक्सेल माइनस एक्सी, वो 90 डिग्री पर चला जाएगा रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और जो हमारा फाई होता है
वो होता है आर और जेड, ये जेड हो गया आर और जेड के बीच का एंगल, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग पता करते हैं एक्चुअल में टेन फाई, टेन फाई क्या हो जाएगा, पी बाई बी। टेन फाई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बाई बी होता है, तो पी के जगह पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सेल बाई आर, ठीक है। और यहीं से हम लोग कॉस फाई को भी पता करते हैं, ठीक है। कॉस फाई कितना हो जाएगा, बी क्या होता है, कॉस का बी बाई एच, तो बी यहाँ पर आर हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। तो यहाँ से साइन फाई वगैरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में इस ट्रायंगल से ये आया हुआ रहता है पावर फैक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जेड इज इक्वल टू आर प्लस आई बी, ठीक है, आर एक्स, ठीक है। यहाँ पर जेड हमारा प्रतिघात है, प्रतिघात, ठीक है। इसी को हम लोग एक्चुअली हम लोग जब मॉड निकालते हैं इसी का, तो इसी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और एक्स के जगह पर जो हमारा रहेगा वो हो जाएगा, अगर एक्स ही कैपेसिटिव है तो एक्स ही स्क्वायर हो जाएगा, इंडक्टिव है तो एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा, और कैपेसिटर इंडक्टर दोनों है तो क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स ही इसका होल स्क्वायर। ये दोनों एक्स ही माइनस एक्स एल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में होल स्क्वायर है। तो एक्स को सर्किट के अनुसार हम लोग रिप्लेस करते जाते हैं, और इसको हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो ए हो जाता है आर प्लस आई एक्स। तो सारा कुछ जान चुके हैं, इसमें ए प्रतिघात होता है, ए रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आप जानते हैं, और ए होता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस दो टाइप का हो सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और सारा का जो यूनिट होता है, सारा का यूनिट ओम ही होता है, ठीक है। इसमें प्रतिघात का भी पूछेगा तो हम लोग ओम बोलेंगे, रेजिस्टेंस का भी पूछेगा तो हम लोग यूनिट ओम ही बोलेंगे, और साथ में अगर रिएक्टेंस का पूछे तो वहाँ पर भी ओम ही बोलेंगे। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब हमें इसका अपोजिट जानना है, इन तीनों का, जेड का भी अपोजिट जानना है, आर का भी जानना है और एक्स का भी जानना है। तो इसको हम लोग सिंपल वाई इज इक्वल टू लिखते हैं जी बी, जी बी से इसको याद रखेंगे, जी प्लस आई बी। और इसका नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले एडमिटेंस हो जाएगा, वाई का मतलब ए हो जाएगा एडमिटेंस, एडमिटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवेश्यता, इसको एडमिटेंस, मिटेंस या फिर हिंदी में प्रवेश्यता बोलेंगे। जी को बोलेंगे कंडक्टेंस या फिर चालकता, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ये हो जाएगा कंडक्टेंस या फिर हिंदी में चालकता। ये सारा का यूनिट शायद आप लोगों को पता होगा, चालकता का यूनिट हम बता चुके हैं, साइमन या फिर महो होता है। तो सारा का प्रवेश्यता का भी यही होगा, और ये हो जाएगा लास्ट वाला हम लोग का ससेप्टेंस, इसका भी महो ही होगा या फिर साइमन ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में ये हो जाएगा अनुकार्यता, ठीक है। तो सारा किसके अपोजिट हो गया, एक हो गया जेड के अपोजिट, जेड इज इक्वल टू आर प्लस आई एक्स, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, इसको याद रखना है। ये जनरली पूछता है रिएक्टेंस का उल्टा होता क्या है, बाकी तो लोग जानते ही हैं। तो अब थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले डिफिनेशन आ जाएगा प्रवेश्यता का, तो डिफिनेशन में सबका सिंपल एक ही चीज़ लिखना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, तो हम एक का लिख देते हैं, बाकी दो का आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। प्रवेशता क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस या प्रतिघात का विलोम प्रवेशता कहलाता है, प्रवेशता कहलाता है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से इंगित करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट इकाई क्या हो जाएगा, महो, ठीक है, या फिर साइमन। महो को हम लोग किस टाइप से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा ओम का उल्टा, हम लोग ओम को यहाँ से इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा महो। क्लियर है। अब इतना जान लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं पावर के बारे में, पावर तीन टाइप का पावर अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। और करंट वोल्टेज का आप लोग जानते हैं उसको किस तरह से, अगर मान लीजिए
प्रत्यावर्ती धारा है तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ये आप लोग को पता है। आई को लिखते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, या वी को वी एम साइन ओमेगा टी, तो वो तो खैर सिंपल है। तो अब हम तीन टाइप का पावर देखेंगे। तीन टाइप का पावर कौन कौन सा हो जाएगा? पावर या फिर शक्ति का प्रकार, ये तीन टाइप का होगा। पहला आभासी, आभासी शक्ति, दूसरा वास्तविक शक्ति, और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिकारक शक्ति, प्रतिकारक शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे अपेरेंट पावर, ठीक है, अपेरेंट पावर। और ये जो हमारा होता है रियल पावर होता है, रियल पावर या फिर एक्टिव पावर इसको बोलते हैं, रियल पावर या फिर एक्टिव पावर, और ये ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो तीनों का एक थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग अपेरेंट पावर को कैसे डिनोट करेंगे? तो अपेरेंट पावर को हम लोग सिंपली वोल्टेज और करंट इन दोनों के गुणनफल से पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वोल्टेज है, करंट हमारा है, ये मान लेते हैं एंगल फाई, ये हमारा करंट है। तो हमारा जो टोटल पावर होगा या टोटल अपेरेंट पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपेरेंट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पर ध्यान रखना ये होता है कि ये दोनों हम लोग आरएमएस लेते हैं, ठीक है। वी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी। इस टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन, वी इस तरह से दिया रहेगा, साइन दिया हुआ रहेगा आई एम साइन ओमेगा टी। आपको पूछे बोलेगा अपेरेंट पावर या फिर आभासी शक्ति निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे वी एम नहीं लिखेंगे, वी एम को पहले वी आर एम एस में कन्वर्ट कर लेंगे। वी आर एम एस क्या हो जाएगा? वी एम बाई रूट टू। उसी तरह से आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई आर एम एस हो जाएगा आई एम बाई रूट टू। उसके बाद हम लोग अपेरेंट पावर लिख सकते हैं। अब हो जाएगा अपेरेंट पावर वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई टू, मतलब कि मैक्सिमम पावर का आधा होता है। ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई टू, ये हमारा होता है अपेरेंट पावर। और इसी तरह से अगर हम लोग को निकालना रहा रियल पावर या फिर वास्तविक पावर, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये हमारा हो जाता है आभासी पावर, आभासी शक्ति जो था, या फिर अपेरेंट पावर जो था, अपेरेंट पावर इंटू कॉस फाई। फाई क्या रहेगा? बी और आई के बीच का एंगल रहेगा, ठीक है। इसका कॉस हम लोग ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है। और हमारा जो रिएक्टिव पावर हो जाएगा या फिर जो प्रतिकारक शक्ति है वो हो जाएगा प्रतिकारक शक्ति, ये हो जाएगा अपेरेंट पावर, मतलब कि आभासी शक्ति इंटू साइन फाई। क्लियर है? इस टाइप से हम लोग तीनों पावर निकाल लेंगे। तो अब एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल हो जाएगा डिफिनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं आभासी शक्ति का। आभासी शक्ति तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी एसी सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में परिपथ में आरएमएस वोल्टता और आरएमएस धारा के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। सिंपल है, ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वी इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर इसी को लिख सकते हैं वी मैक्स इंटू आई मैक्स बाई टू, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात था, आभासी शक्ति और इसमें एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है? तो ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया, किसी ऐसी परिपथ में वोल्टेज वी आर एम एस और आई आर एम एस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पर एक्चुअल में होता क्या है? तो एक्चुअल में अगर इसकी बात करें तो ये हमारा वी इंटू आई, ये मान लेते हैं हमारा वी इंटू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस है, ठीक है, पावर है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टेंट पावर को, और इसके बाद इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा आभासी शक्ति होता है इसी का दो पार्ट होता है, एक्टिव और रिएक्टिव, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव, मतलब प्रतिकारक और साथ में एक हो जाएगा वास्तविक शक्ति,
वास्तविक अप्रतिकारक, इसी का दो पार्ट है। ये जो हमारा वास्तविक शक्ति होता है या जो एक्टिव पावर होता है, ये हम लोग को हम लोग इसका यूज करते हैं बल्ब जलाने में, ठीक है। बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, या फिर टीवी वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, वहाँ पर हमारा ये वास्तविक शक्ति काम आता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टिव पावर का कोई यूज नहीं होता है, ये पूरी तरह से वेस्ट चला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टोटल पावर है, तो इस पावर को अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ए एंगल फाई होगा, ठीक है, ए भी है और ए आई है, तो ए भी आई, ये पूरा हो गया भी आई, और एंगल के साथ जो रहता है उसको हम लोग भी आई कॉस फाई बोलते हैं, भी आई कॉस फाई। ए जो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना ही हम लोग को मिला वास्तविक शक्ति, रियल पावर, ठीक है। वास्तविक शक्ति ये है जिसका यूज हम लोग कुछ भी अपने काम में कर सकते हैं, टीवी वगैरह चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। पर बाकी जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, साइन वाला, ये हम लोग का पूरा वेस्ट चला जाता है। ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर या फिर प्रतिकारक शक्ति, ये पूरा वेस्ट जाते हैं। तो हम लोग क्या रहता है, हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो फाई हो वो कम से कम हो, ठीक है। फाई जितना कम होगा, अब एक्चुअली ये वी आई तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है, तो अगर इसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये एक सर्किल का रूप ले लेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये एक सर्किल का रूप ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सर्किल बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंगल को थोड़ा सा अगर कम करते हैं, तो ये जाकर के यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर मिलेगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा एक्टिव पावर हो गया वो यहाँ तक हो गया, बढ़ गया, एक्टिव पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा था रिएक्टिव पावर वो घट गया, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से जो था ये रिड्यूस होकर के अब सिर्फ इतना रह गया। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, फाई के जो वैल्यू है, फाई जो है वो हम लोग को डिक्रीज करवाना पड़ता है किसी तरह से। हम चाहते हैं फाई हमारा डिक्रीज कर जाए। फाई हम लोग कैसे निकालते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, या फिर इसी को एक्स सी बाई आर जैसा सर्किट रहा, या फिर एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। तो फाई हमारा डिक्रीज करेगा तब जब हमारा एक्सएल का वैल्यू कम होगा, एक्स सी का वैल्यू कम होगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का वैल्यू कम होगा। इन तीनों का वैल्यू जितना कम होगा हमारा परिपथ में, हमारा सर्किट में, उतना अच्छा हम लोग यूज कर पाएंगे इसको बल्ब वगैरह जलाने में, ठीक है। हम सर्किट में नहीं चाहते हैं कि इंडक्टर वगैरह लगा हो। इंडक्टर का यूज किस लिए होता है, एक्चुअली इंडक्टर का हमने पहले डिफिनेशन बताया, एक करंट का जो करंट में जो चेंजिंग आ रहा है उसका अपोज करता है। तो कभी कभी ये लगाना पड़ जाता है, मान लेते हैं अचानक से कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो अचानक तेज़ी से करंट यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। और करंट तेज़ी से जब बढ़ेगा तो हमारा जितना भी सर्किट लगा हुआ है उसको ख़राब कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर इंडक्टर लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही तेज़ी से करंट बढ़ेगा, ये भी तुरंत से एक अपोजिट वोल्टेज बना लेगा और इस करंट को काउंटर कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए मजबूरी में लगाना पड़ जाता है, लगाने का खमियाजा हम लोग को ये भुगतना पड़ता है कि हम लोग का जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्योंकि फाई अगर डिक्रीज करेगा तो सॉरी फाई अगर इंक्रीज करेगा, हम लोग देख रहे हैं एक्सेल लगाने से क्या हो रहा है, फाई इंक्रीज कर जा रहा है। अब फाई इंक्रीज करने से कॉस फाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और कॉस फाई डिक्रीज करेगा तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं फाई इंक्रीज करेगा मतलब यहाँ पर, तो कॉस फाई डिक्रीज करके हमारा जो रियल पावर है, एक्टिव पावर है, वो बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। तो ये मजबूरी होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर हम लोग को देना पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताना था कि हमारा जो एक्टिव पावर होता है, मतलब इसका मतलब रियल में समझाना था कि है क्या। तो हमारा जो एक्टिव पावर है और यूजफुल पावर है, और जो हमारा प्रतिकारक शक्ति है मतलब ये रिएक्टिव पावर है, वो हम लोग के काम का नहीं होता है, ठीक है। आभासी शक्ति क्लियर होने के बाद अब हम लोग आते हैं वास्तविक शक्ति पर। वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति सिंपल हम लोग क्या पढ़े, वी आई कॉस फाई, मतलब कि आभासी शक्ति, यह आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक इन दोनों का गुणनफल होता है। इसको डिनोट करेंगे P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, मैथमेटिकली इसको इस टाइप से लिखेंगे। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट वाट होता है, इकाई वाट। और इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर, जो आभासी शक्ति था हमारा, आभासी शक्ति
इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, क्योंकि इसी पर हमने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम लोग वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त करेंगे, एम्पियर। उसके बाद थर्ड नंबर है हम लोग का प्रतिकारक शक्ति, ये हो जाएगा प्रतिकारक शक्ति। प्रतिकारक शक्ति क्या हो जाएगा? आभासी शक्ति, आभासी शक्ति और साइन फाई का गुणनफल, का गुणनफल। इसको किस तरह से लिखेंगे? पी इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, और इसका इकाई क्या हो जाएगा? इकाई इसका होता है वी ए आर, वी ए आर, ठीक है। प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर, प्रतिकारक वोल्ट एम्पियर, ये इसका यूनिट होता है। तीनों का यूनिट याद रखना है और तीनों का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक पावर फैक्टर आ गया, तो पावर फैक्टर तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, पावर फैक्टर या फिर इसको शक्ति गुणांक, ये तो हम लोग शुरू से ही देख लेते हैं, देख रहे हैं शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, जो आभासी शक्ति होता है या फिर जो हमारा वास्तविक शक्ति होता है, वास्तविक शक्ति के फॉर्मूला में आया था कॉस फाई, जिसको हम लोग पावर फैक्टर या फिर शक्ति गुणांक कहते हैं, ये होता है वी आई कॉस फाई के बराबर, और ये जो हमारा कॉस फाई होता है यही होता है शक्ति गुणांक। तो यहाँ से हम लोग कॉस फाई आसानी से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति डिवाइडेड बाई वी आई, मतलब कि आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, ये हमारा मतलब कि ये किस चीज़ का रेशियो है, ये वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर या फिर शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर निकालने का तरीका हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, ठीक है। हमने ट्राइंगल बना करके भी देखा था, ये था हमारा जेड और ये था आर और ये था सॉरी ये था आर और ये था एक्सेल और एक्सी जो भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फाई होता था और यहाँ से हम लोग कॉस फाई आर बाई जेड करके निकाले थे ऊपर में, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का बच जाता है एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी, वो है थ्री फेज का, ठीक है। तो थ्री फेज किसी किसी मायने में हम लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। थ्री फेज प्रणाली या फिर इसको त्रिकला, त्रिकला प्रणाली बोलते हैं, त्रिकला प्रणाली। हम लोग दो टाइप का सिस्टम जनरली यूज करते हैं, एक सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज या फिर त्रिकला प्रणाली। ये बनता कैसे है? तो बस सिंगल फेज को ही का ही समूह ले लेते हैं, तीन सिंगल फेज अगर ले लेते हैं तो वहाँ से हम लोग का थ्री फेज बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल तीनों फेज के बीच जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो कितना डिग्री से सेपरेटेड होता है? ये 120 डिग्री से सेपरेटेड होता है, आर वाई और बी, ठीक है। और त्रिपला, ये जो त्रिकला प्रणाली है इसके कितने टाइप होते हैं? तो ये दो टाइप के हो जाएंगे, एक स्टार कनेक्टेड होता है, ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्टेड, और दूसरा होता है स्टार कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जानना क्या क्या है, हम लोग को दोनों कंडीशन में स्टार कनेक्टेड हो या फिर, ठीक है, स्टार हो या फिर डेल्टा हो, इन दोनों कंडीशन में हम लोग को जनरली जो जानना रहता है वो फेज वोल्टेज, ठीक है। पहला फेज वोल्टेज, वोल्टेज, दूसरा फेज करंट या फिर फेज धारा, ठीक है। ये दोनों केस में जानना होगा। उसके बाद हम लोग को तीन हो जाएगा, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, चौथा हो जाएगा लाइन करंट या फिर लाइन धारा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और जानना है इसमें, पावर, ठीक है। पावर, पावर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइन वोल्ट स्टार कनेक्टेड की तरफ, ये है हमारा स्टार कनेक्टेड, ठीक है। इसमें सारा कुछ डिफाइन करेंगे, हमारा फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हम लोग का स्टार, ठीक है। ये इस टाइप से वायर इसे कनेक्टेड होगा, ये हो जाएगा आर, और यहाँ पर जो वायर है ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पर एक वायर कर देते हैं बी, ठीक है। यहाँ से तीन फेज वायर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो एक न्यूट्रल भी हम लोग दे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल वायर, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ये चौथा वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फेज करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पर फेज वोल्टेज जो होगा, फेज वोल्टेज ये हो जाएगा हमारा
इन दोनों के बीच में मान लेते हैं हमारा यहाँ पर वाइंडिंग किया हुआ है, एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग और ये तीन वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्ट इसके बीच और इस जो बीच वाला न्यूट्रल वायर है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं ये होता है हमारा फेज वोल्टेज, ठीक है। अब उसके बाद फेज करंट, फेज करंट क्या हो जाएगा, तो इस कॉइल से होकर के जो करंट पहुंचेगा, जो करंट फ्लो करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फेज करंट, ये फेज धारा या फिर फेज करंट हो जाएगा इस कॉइल से, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। लाइन वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों के बीच का वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा इसको हम लोग वी एल या फिर लाइन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है, वी एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद लाइन करंट, लाइन करंट क्या होगा, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन करंट, ठीक है। कॉइल से सीधे निकल करके हम लोग बाहर चले आएंगे और बाहर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा इसको बोलेंगे लाइन करंट। अब इन सब में रिलेशन हम लोग को जानना है, रिलेशन किस किस में जानना है, फेज करंट या फिर इसको आई पी एच से डिनोट कर रहे हैं, फेज करंट और लाइन करंट में रिलेशन जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं और दूसरा जानना है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, इन दोनों में रिलेशन जानना है किसके लिए, स्टार कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फेज करंट और लाइन करंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो फेज करंट है आई पी एच, एक करंट यहाँ से जा रहा है, जाने के बाद सीधा इस लाइन में इंटर कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये लाइन शुरू हो जाता है। तो एक ही करंट है, एक करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेकर के चलें डेल्टा का, तो यहाँ पर जो करंट आएगा, ठीक है, ये हमारा फेज करंट होगा, फेज के अंदर यहाँ पर भी फेज करंट होगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मिल करके बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर फेज करंट और लाइन करंट दोनों डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फेज में करंट फ्लो कर रहा है वही लाइन में भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होता है। उसके बाद फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये हमारा फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच न्यूट्रल और इस कॉइल के, इस कॉइल का जो वोल्टेज है इसको हम लोग फेज वोल्टेज बोल रहे हैं, सिर्फ एक कॉइल का वोल्टेज है। लेकिन जब हम लोग लाइन वोल्टेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कॉइल मिल जा रहा है, एक ए वाला और दूसरा ए वाला, तो हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा, लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा और कितना होगा, √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। हमारा जो लाइन वोल्टेज हो जाएगा √3 इंटू फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, लाइन हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब कि यहाँ पर जो लाइन होगा या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा फेज के। वोल्टेज के केस में हम लोग देख रहे हैं कि लाइन वाला वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है, और करंट के केस में देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल का साइन यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टार के लिए। अब सेम चीज़ हम लोग डेल्टा के लिए देख लेते हैं, ए डेल्टा है हमारा, यहाँ पर थर्ड न्यूट्रल वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर जो होगा ये होगा इस कॉइल के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगा फेज वोल्टेज वी पी एच, और यहाँ पर जो हम लोग लेंगे वो होगा लाइन वोल्टेज वी एल। इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा या फिर ये दूसरा कॉइल हो जाएगा, ये तीसरा कॉइल हो जाएगा, इन कॉइल से होकर के जो करंट फ्लो करेगा इसको बोलेंगे लाइन करंट, सॉरी फेज करंट आई पी एच, और जो इस लाइन से होकर के फ्लो करेगा इसको बोलेंगे लाइन करंट, ये हमारा होगा आई एल लाइन करंट। यहाँ पर भी करंट कौन सा फ्लो करेगा, लाइन करंट। तो यहाँ पर भी रिलेशन देख लेते हैं, सबसे पहले आई पी एच और आई लाइन का, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो आई लाइन है ये दो करंट मिल करके बना हुआ है, दो फेज वाला, ठीक है, एक फेज इसका और एक फेज इसका है, दोनों करंट मिल करके लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर लाइन करंट हमेशा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कितना से होता है, ज़्यादा हमेशा √3 से ही होता है। उसके बाद फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फेज वोल्टेज जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग फेज वोल्टेज बोल रहे हैं, और ये जो पोटेंशियल है ये तो शॉर्ट किया हुआ है, ये भी शॉर्ट है, तो यहाँ इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा, और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम केस देखने को मिल रहा है, लाइन हमेशा जो होगा इक्वल या फिर ग्रेटर देन होगा फेज से, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया थ्री फेज सिस्टम, स्टार और डेल्टा, लाइन और फेज।
उसके बाद आते हैं हम लोग पावर में। पावर क्या होगा थ्री फेज सिस्टम के लिए, तो पावर अगर हम दो टर्म से लिख सकते हैं, एक फेज के टर्म में लिख सकते हैं, दूसरा लाइन के टर्म में लिख सकते हैं। अगर सिंपल हमको इस फेज का, ठीक है, इस फेज का पावर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई पी एच, यहाँ पर करंट आई पी एच फ्लो कर रहा है और वोल्टेज वी पी एच, ठीक है। आभासी शक्ति हम लोग जैसा कि निकालना सीखे थे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे आई पी एच इंटू वी पी एच। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा तीन सिस्टम है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, थ्री आई पी एच इंटू वी पी एच। और इसी को अगर लाइन के टर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, थ्री तो रहेगा ही, आई पी एच को लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो आई पी एच बराबर कितना हो जाएगा इस डेल्टा के लिए, आई पी एच हो जाएगा आई लाइन बाई रूट थ्री, आई लाइन बाई रूट थ्री। और वी पी एच बराबर वी एल, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको वी एल ही रहने देंगे। तो एक कितना हो जाएगा थ्री और रूट थ्री कैंसिल होगा, ये आ जाएगा रूट थ्री और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट थ्री वी एल इंटू आई एल। तो ए लाइन के टर्म में हो गया, ए फेज के टर्म में हो गया। और ए जो होता है किसी के लिए भी सही होता है, ए आपको स्टार में भी सेम यही केस मिलेगा, फेज के टर्म में इतना ही मिलेगा और लाइन के टर्म में आप लोग फेज वाला से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ए होता है थ्री फेज सिस्टम का पावर, ठीक है। तो ए लास्ट टॉपिक था आज का, ये चैप्टर जो है हम लोग का फिनिश हो गया। अब कल क्या करेंगे, कल कोशिश करेंगे लाइव आएंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस कर लेंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए क्लोज करते हैं, अगर किसी टाइप का कोई सुझाव या कंप्लेन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।